हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और आज हम बात जो है कल वाली वीडियो के एंड में जो हमने बताया था कि जंक फूड जो है उसको कैसे बंद किया जाए, तो वहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कल का दिन कैसा रहा मेरा। कल मेरा फास्टिंग था, तो कल मैं जैसे बताया था कि दिन भर कुछ नहीं खाया था, रात को केला खाया था और उसके बाद थोड़ा जंक फूड खाया था। तो उसके बाद फिर मैं पानी वानी पी के सो गया, तो सुबह उठ के मुझे बहुत फ्रेश लगा। एक्चुअली बड़ा ही हल्का लगा और मेरे को भूख नहीं लग रही थी, लेकिन सुबह उठ के मैंने केला खाया ताकि मतलब ऐसा ना लगे कि मतलब भूख लग रही है या फिर मैं खाना नहीं खा रहा हूँ या फिर भूख नहीं लग रही है और मैंने अपने भूख को बिल्कुल मार दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मतलब ये फर्स्ट टाइम था कि मैंने इतना लंबा मतलब फास्टिंग रखा था। तो फिर मैंने खाना वाना खाया, मैंने एक केला खाया जो मुझे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे को 4 से 4.5 मिनट लगे हैं। उसके बाद मैंने क्या किया कि लंच किया एक्चुअली। तो लंच में मेरा था रोटी और एग, रोटी और एग था मेरा। तो रोटी और एग मैंने खाया और मेरे से डेढ़ रोटी ही खाया गया। उसके बाद मैं आई वॉज लिटरली फुल। देन डायरेक्टली अब मैं आके डिनर खाया, जो रात को डिनर खाया मैंने। अभी खाना जस्ट खत्म ही हुआ है, उसके बाद मैंने शूटिंग क्या करना शुरू किया यहाँ पे। तो कम रात को ही चावल और थोड़ा वेज करी बना था, तो आराम से खाना वाना हो गया, धीरे धीरे खाना खा लिया। और जहाँ तक वेट की बात है, आप मेरा वेट यहाँ या यहाँ कहीं पर भी आ रहा हो देख लेना। तो कल से अगर देखा जाए तो आज का वेट जो 1 किलो कम हुआ है, इट्स बिकॉज ऑफ ओनली फास्टिंग। सो इट डजेंट मीन दैट यू शुड डू फास्टिंग, एंड इफ यू आर डूइंग फास्टिंग जस्ट चेक विद द डॉक्टर। बट ये मेरा जो जर्नी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें क्या है कि मैं कल फास्टिंग का तो मेरा 1 किलो कम हुआ। अगर आप अगर मेरे साथ कर रहे हो तो शायद आपका इतना कम नहीं हुआ होगा, तो इसमें मैं कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने फास्टिंग नहीं किया हुआ, दैट्स ओके। तो मैंने फास्टिंग किया तो मेरा कम हो गया, हो सकता है आज मैंने जो खाना खाया है उसके साथ कल शायद वो बढ़ जाए। जो आज मेरा जो वेट है 91.8 है, शायद उस कल को बढ़ के वो 92 हो सकता है या फिर 92.5 भी हो सकता है या फिर उससे घट के भी हो सकता है। तो इतना टेंशन नहीं लेने का, वो जो एक एक दिन में जो बढ़ता घटता है तो वो हो जाता है, तो इतना टेंशन लेने का। क्योंकि हमारे ये जस्ट डे 5 ही हुआ है, डे 5 चल रहा है यहाँ पर, हमारे पास 25 दिन और बाकी है। तो हम अगर यहाँ पर कुछ गलती कर रहे हैं, हम उसको मेकअप कर सकते हैं आगे जाके। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स असाइड, मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे आप जंक फूड खाना बंद कर सकते हो, क्योंकि इस जंक फूड को खाना रोकना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, आई नो दैट। क्योंकि वो आप में भी होता है, मेरे में भी होता है कि जंक फूड मिलता है तो खा लेंगे, तो और उसको जब खाते हो तो पता भी नहीं चलता कितना खा रहे। तो उसके लिए क्या करो कि आप गहरी सांस लो। जब भी आपको जंक फूड दिखता है, मुझे पता है डिफिकल्ट है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब आप वेट लॉस प्रोग्राम में हो तो आपको ये सब करना पड़ेगा। तो वहां से उसमें डीप ब्रीदिंग करना होता है उस समय, उसको आई थिंक वो योगा वगैरह में डीप ब्रीदिंग बोलते हैं, डीप ब्रीदिंग बोलते हैं। तो ऐसे 10 बार करो, ठीक है? जब 10 बार करोगे तो उसके बाद पता चल जाएगा, आपके बॉडी खुद बोलेगा कि नहीं यार मन भर गया, भी नहीं चाहिए, ऐसा हो जाता है। मैंने नेचुरली मैंने अपने ऊपर करके देखा है और ये काम करता है। अगर वो नहीं कर सकते, सपोज आप ऑफिस में हो या फिर लोग आपके साथ आपके कलीग्स लोग खड़े हैं आपके साथ, मेरा नहीं कर सकते, तो क्या करोगे, 1.5 से 2 ग्लास या फिर 1 ग्लास पानी पी लो। जो पानी पी लोगे तो अभी क्या होगा कि वो जंक फूड जो थोड़ा कम ही अंदर जाएगा, हालांकि बहुत ज्यादा कम नहीं जाएगा लेकिन कम ही जाएगा। अगर सपोज एक पैकेट खाने वाले थे तो आधा पैकेट सब कुछ खा लोगे आप। सो दैट इज हाउ You can stop it. There is no other way you can stop it. Or you can completely stop it. जंक फूड मिलता तो मेरे को नहीं खाना है, ओके? तो वो चीज कर सकते हो आप। उसके बाद yeah, that's all. And as I told you, I have this book. I wanted to show you sometime back. It never happened, but I can make you thin. मैंने इस किताब को आधे से ज़्यादा पढ़ा है एक्चुअली, और हर एक चैप्टर में शायद ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, मतलब लोगों ने कैसे अपना वेट लॉस किया है और उनने मतलब ये किताब पढ़ के उनको कैसे मतलब हेल्पफुल हुआ है उसके बारे में लिखा गया है। और वो यही बता दें कि जब भूख लगाए तब खाओ, माइंडफुल खाओ, जब आप खा रहे हो तो माइंडफुली खाओ आज। तो उसका मतलब ये है कि ध्यान दो अपने खाने पर, आप क्या खा रहे हो, आप अपने बॉडी को प्यार करो, ऐसा नहीं कि मन क्या तो खा लिया, ऐसा नहीं है। बाकी तो सब ठीक ठाक ही है, आप मेरा वेट देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, कहीं फिर भी आ रहा होगा तो यहाँ पे देख लिया होगा कि मेरा वेट कितना था कल और आज कितना है, और शायद आप कल जाके बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, वो कल का कल देखेंगे। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि वेट लॉस जर्नी को एंजॉय करो, जितना एंजॉय करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। लाइफ में सब कुछ ईजी है, सब कुछ आप कर सकते हो, लेकिन बस माइंड को शांत रखो। अगर माइंड अपना गेम खेलना शुरू कर दिया तब आप कुछ नहीं कर सकते।
तो माइंड को शांत रखो और सब कुछ अचीव हम कर सकते हैं, बस डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दैट्स इट। और भगवान आपका भला करे, आप एंजॉय करो लाइफ, स्टे पॉजिटिव बी हेल्दी। मैं आपको कल फिर से मिलता हूँ और फिर से हम चेक करते हैं कैसा होता है। मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा 30 दिन तक, ताकि आप मेरे साथ वेट लॉस करें, ताकि आपको मेरा वेट लॉस दिखे और आप मेरे साथ वेट लॉस भी करें। और आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, एंड वी विल सी यू और आई विल मीट यू टुमोरो अगेन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।